ਸ ਲਾਏ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਚ ਜਿੱਤ ਲਿਓ ਬਾਜ਼ੀ सुनील गावस्कर विवियन रिचर्ड्स क्रेग चैपल और बाबर आजम आप सोच रहे होंगे कि इन तीन दिग्गजों के साथ मैंने बाबर आजम का नाम क्यों जोड़ दिया। दरअसल ये इन चारों खिलाड़ियों में एक सिमिलरिटी है। चारों जो हैं इनका संबंध कहीं ना कहीं समरसेट काउंटी टीम के साथ रहा है। बाबर आजम का हाल ही में करार हुआ है इस टीम के साथ और समरसेट काउंटी का जो ग्राउंड है टॉन्टन क्रिकेट ग्राउंड जिसे कहा जाता है वहीं पर होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला। वैसे डेविड वार्नर स्मिथ और मिचेल स्टार्क के आने के बाद काफ़ी मजबूत हुई है ऑस्ट्रेलिया की टीम और वहीं हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने दुनिया की नंबर एक टीम को शिकस्त दी है और वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के हाथों 39वें ओवर के बाद आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो गई यानी उसका पुलिंदा बन गया और भारतीय टीम विजयी रही थी उस मुकाबले में। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं कुछ ऐसे पहलू हैं जहां पर पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशियों का पैगाम है। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा अवसर है ऑस्ट्रेलिया को हराने का और वैसे भी एक हड़कंप मचा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के खेमे में। ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट कोच जो कि पूर्व कप्तान भी हैं रिकी पॉन्टिंग उन्होंने कहा है कि हम रीशफल करेंगे यानी कुछ बल्लेबाजी के अंदर जो है बदलाव करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि उस्मान ख्वाजा को हम बाद में भेजेंगे स्टीवन स्मिथ को पहले भेजेंगे। मैं तो कहता हूँ भैया आप जो मर्जी कुछ कर लो अगर आपके पास दो ही बॉलर हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर वैसा अंकुश लगा पाए या आपने देखा भारतीय बल्लेबाजी ने भी कितना कहर बरपाया था उनके सामने और इन दोनों को बहुत ही ध्यान से खेले थे और वहीं पाकिस्तान को भी चाहिए कि इन दोनों गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में आराम से खेलें क्योंकि पावर प्ले में ज़्यादा रन बनाने के चक्कर में कई बार वो बहुत ही दुखदायी साबित होता है बहुत ज़्यादा आत्मघाती साबित होता है। मैं तो कहूँगा कि आराम से खेलें विकेट बचाएं और बाद में अपने मन मुताबिक बल्लेबाजी करें। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की जो बल्लेबाजी मजबूत बल्लेबाजी है उसका आकलन करते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे उनका जो शीर्ष क्रम है खासकर एरन फिंच जो है उन्हें आप गुडलैंड स्पॉट पर ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं क्योंकि पिछले 3-4 महीने से हमने देखा है कि वो गुडलैंड स्पॉट पर फंसते हुए दिखाई देते हैं। वो आमतौर पर ऐसी गेंदों पर LBW आउट हो जाते हैं। वैसे भी वो कोई जनजात या कोई नेचुरल ओपनर नहीं है बल्कि वो कन्वर्टेड ओपनर हैं। डेविड वार्नर की हम बात करें तो डेविड वार्नर को हमने IPL में देखा वो खास तौर पर मिडिल और लेग की जो लाइन है उस पर फंसते हुए दिखाई देते हैं। उतने स्वच्छंद या उतने खुलकर स्ट्रोक लगाते हुए लगा नहीं पाते वो। और वहीं उनकी जो मैं कहूँगा शादाब हैं पाकिस्तान के पास लेग स्पिनर उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें उनके सामने गुगली फेंकें क्योंकि कई बार वो रन गति बढ़ाने के प्रयास में स्टेप आउट करते हैं और वही उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। उस्मान ख्वाजा को लें। उस्मान ख्वाजा को हमने देखा कि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दो गेंदें उनकी जो है शॉर्ट पिच गेंदें जो उछाल लेते हुए गेंदें थी उनकी हेलमेट पर लगी थी लेकिन इससे ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि उन पर शॉर्ट पिच से ही प्रहार किया जाए क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अमूमन पुल बहुत बढ़िया लगाते हैं। तो बेहतर यही होगा उनको आप रोकें किसी भी तरीके से उनको स्केटर वन से जो सीधी गेंदें हैं उस पर वो LBW के अक्सर शिकार हो जाते हैं। और फिर बचते हैं स्टीवन स्मिथ। स्टीवन स्मिथ के बारे में मैं कहूँगा कि वो भी पुल बहुत बढ़िया लगाते हैं और बेहतर होगा कि आप उनको लेग कटर पर या स्टेटर पर उनको रोकने की कोशिश करें तो उतना ही अच्छा रहेगा। अगर हम पाकिस्तान की बल्लेबाजी को देखें तो बल्लेबाजी के लिए तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि जो गेंदबाजी है ऑस्ट्रेलिया के पास उसमें कमिंस और मिचेल स्टार को ध्यान से खेलें। कमिंस के पास यॉर्कर भी हैं उनके पास स्लोअर भी हैं और उनके पास उछाल लेती हुई गेंदें भी हैं ऑफ कटर उनका बहुत बड़ा हथियार है इन पर एहतियात बरतें। और मिचेल स्टार जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे पिछले कुछ समय से वो यहाँ वर्ल्ड कप में आने के बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुकाबले में 5 विकेट उन्होंने चटकाए थे और वो भी रिदम में आ गए हैं अच्छी खासी लय में आ गए हैं। और भारत ने जो रणनीति अपनाई थी खासकर शुरुआती ओवरों में पावर प्ले में उसी का अनुसरण करने की ज़रूरत है उसी को अपनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान को कि आप बहुत ज़्यादा स्कोर बनाने की ज़रूरत नहीं है आप अपना विकेट बचाएं ज़्यादा से ज़्यादा। कोशिश यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान पूरे 50 ओवर खेले
और उसके बाद जो है 40 ओवर के बाद या 35 ओवर के बाद रन गति को बढ़ाए, क्योंकि विकेट अगर आपके पास होगी तो आप रन गति को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और आप स्कोर बोर्ड पर पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 सवा 300 का स्कोर भी बड़े आसानी से टांग सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कम से कम स्ट्राइक रोटेट करने से बचें और वो स्ट्राइक रोटेट करके जो जिस तरह से इनिंग बिल्ड करना जिसे कहते हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह से करते हैं वही ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भी करते हैं, तो वहाँ पर आपको अंकुश लगाना होगा, उनको रोकना होगा, क्योंकि एक ऐसे मौके पर एक बाउंड्री भी जो है आपकी रिदम बिगाड़ देती है और गेंदबाज को पस्त कर देती है। लेकिन अब चलते चलते एक ख़राब खबर भी मैं आपको बता दूं कि टाउनटन में भी बारिश के आसार हैं। 50% जो है मौसम विशेषज्ञों ने यहाँ बारिश की संभावना व्यक्त की है। खैर, अगर यहाँ बारिश होती है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए तो ये उतनी चिंता की बात नहीं होगी, लेकिन दुनिया भर के जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए बहुत चिंता की बात होगी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा मुकाबला देखने से वंचित रह जाएंगे। आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले को लेकर? अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें, मुझे आपकी राय का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਚ ਜਿੱਤ ਲਿਓ ਬਾਜ਼ੀ।